कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते श्री राम कृष्णाय नमः। विनोद ने टेलीग्राम भेजा है। क्या मुसीबत है? किसकी मुसीबत की क्या बात है? मुसीबत नहीं, अरे बात थी कि वो खुद प्रोफेसर को साथ लेकर आएगा। अब वो नहीं आ रहा, प्रोफेसर राय अकेले आ रहे हैं और मैं उनको नहीं पहचानता हूँ। क्या मैं स्टेशन पर जाकर हर मुसाफिर को पूछता फिरूं कि आप प्रोफेसर राय हैं? आप तुम भी कैसी बातें करते हो भैया, भला इतने बड़े नामी ग्रामी आदमी को पहचानने में देर लगेगी? रेल में फर्स्ट क्लास के डब्बे कितने हैं, जरा सी कोशिश करोगे पता चल जाएगा। ये बात ठीक है, लेकिन इधर का इंतजाम सब ठीक है? यहाँ का रहने सोने का मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, मगर अभी तो गाड़ी में बहुत देर है। अरे देर कहाँ, बस घंटे ही भर है ना। तुम्हारा तो खामखा हाथ पैर फूल जाते हैं। खामखा? खामखा नहीं, क्या तुम समझती हो कि प्रोफेसर राय को स्कूल के सालाने जलसे में चीफ गेस्ट बनाकर मैं यही बुलवा रहा हूँ? अरे मेरे घर में रहने का इंतजाम ढंग से इसलिए किया है कि बस अगर उन्हें मंजू पसंद आ गई तो मेरी एक बड़ी भारी चिंता दूर हो जाएगी। हाँ, मंजू कहाँ गई? वो भी तो घर में बैठने वाली लड़कियों में से है, जहाँ चार बजे चली खेलने को। लड़की है कि? अरे जाने भी दो इन सब बातों को। हाँ, तुम यहाँ का इंतजाम ठीक रखना, मैं स्टेशन होकर आता हूँ। जय दुग्गति नाशिनी अम्बे जगदम्बे। या
को रख लिया उन्होंने। लो, 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 लो। तेरा इंटरव्यू हुआ कि नहीं? हाँ, हो गया। वेरी गुड। चलो अभी काम अच्छा हो गया। क्या हुआ है इंटरव्यू? फेल हो गया। राजा चलो बम्बई लौट चले। बम्बई लौट चले और वो होटल में सूट के साथ क्या हुआ उसका क्या होगा? अरे हाँ यार, तेरे पास कुछ पैसे हैं? मेरे पास तो कुछ नहीं, तेरे पास कुछ है? हाँ है तो। कितने हैं? यही कोई 5-7 आने। 5-7 आने? ये नहीं, आप होटल का बिल देके सूटकेस निकालना चाहते हैं? कमाल करते हैं आप। राजा 40 रुपया। हाँ, कुछ तरकीब सोचना। तू सोच, मैं नहीं सोचता। तू मेरा बड़ा भाई है ना यार। राजू ये घड़ी घड़ी की बुसा मुझे नहीं चाहिए। तू समझता नहीं, तू मेरी बात नहीं सुनेगा। मान से मैं नहीं सोचता, नहीं सोचता। प्लीज सोच लिया, सोच लिया। हाँ, मैं होटल से बाहर निकल रहा था ना, तो होटल वाले ने जोर से आवाज दी, ए भाई साहब कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा था मैं पान खा के आ रहा हूँ। पीछे के हिस्से से जाके खिड़की खोल के दोनों सूटकेस उठा लिया। ईमान से कहाँ है? पीछे रखे हुए। अरे जवाब दे। देख गाड़ी खड़ी हुई है, जल्दी से बैठ जाएंगे। चल। ए, 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 मगर जाएंगे कैसे? बगैर टिकट से? तू मुझे जेल भिजवाएगा क्या? यार कमाल करता है तू, कुछ अक्ल भी है कि नहीं? अगर होटल वाला पुलिस को ले आएगा तो फिर भी जेल जाना पड़ेगा। अरे हाँ यार, चल जल्दी चल। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अरे सुनिए सुनिए भाई साहब। अपने को नहीं, अजब बुद्धू आदमी है यार, डरा दिया। चल चल चल। राजा यहाँ तो हाउसफुल है। अरे भीड़ भाड़ में निकल जाएंगे यार। कहीं देख ला आसपास, शेखर बेटर तो नहीं है? शेखर क्या दिखाई तो नहीं देता? ठीक है मैं जरा। हाँ हाँ हाँ, आराम से आराम से। मैं जरा जगह बता लूँ। बना ले बना। आई बला लाहौल वाला, आंख लड़ी अरे हा लड़ी, ओ बचा ले हमें ऊपर वाले, एक इधर एक उधर, ओ छुपा ले हमें ऊपर वाले। आई बला लाहौल वाला, आई है मुसीबत डाल तू बेटा, चल कोई डाल तू, पूछ नहीं मेरा हाल तू, अरे इन पे कोई जादू अब डाल तू, मर गए थी डर गए थी जाए कहाँ हम। हाय कैसी घड़ी अरे मौत खड़ी, ओ उठा ले हमें ऊपर वाले, एक इधर एक उधर, ओ छुपा ले हमें ऊपर वाले। आई बना लाहौल वाला, चला थाम लो बेटे राम का नाम लो, शांति से भाई काम लो, इनके चरण थाम लो, थाम लो थाम लो। अरे अल्लाह मियां जाएगा तू ही बता अब। अब अभी काफिया नहीं मिलता रे। अरे भाई काफिया नहीं मिलता, मेरा बात तो सच है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ तो फिर चल फिर से शुरू कर। 1 2। खड़े खड़े अरे आज मरे, ओ बुला ले हमें ऊपर वाले, एक इधर एक उधर, ओ छुपा ले हमें ऊपर वाले। आई बला लाहौल वाला, पागल खाना, वेरी गुड। इससे अच्छा क्या, अरे भाई जेल खाना, वेरी गुड। मिले वहाँ क्या, अरे आबो दाना, वेरी गुड। छे मैंने बात, अरे लौट आना, धत्तरी की ओ दीवा जाके थाने घुट। इनकी बेशुमार जमाने यक्ता लफ्जों ने इस जगह के खिलाफ अपने गुस्से और नफरत का इजहार करते हैं। वो कहते हैं ये सारे गड़ू ना है। श्याम जी सोडा आप अपनी मर्जी का लीजिएगा। अरे ये क्या कर रहे हैं?
मालिक चाबी कहीं गुम गई है, चाबी नहीं मिलती। चाबी गुम गई है? अरे अभी तो स्टेशन आने वाला है। तो मालिक क्या करूँ, यहीं तो रखी नहीं, देखिए ना कहाँ है। तो काम ऐसे ही है। और मालिक करूँ क्या? अरे जल्दी जल्दी सामान मांग ले। जब भी क्या है, मुंह खोलिए। हाँ नहीं मालिक, नहीं मालिक, नहीं। क्या कर रहा है? अरे आजा आजा, कंपार्टमेंट बिल्कुल खाली है, आजा। नहीं ये तो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है ना। अरे तो क्या हुआ, गाड़ी जब रुकेगी तो उतर जाएंगे जल्दी से। ख्याल अच्छा है। लीजिए नटवर श्याम जी, नटवर श्याम। श्याम साहब गए। अरे दमड़ी लाल, ये नटवर श्याम जरूर फर्स्ट क्लास के डिब्बे में होगा, मगर हम तो उसे पहचानते नहीं। मगर सरकार, मैं तो फर्स्ट क्लास का पैसेंजर हूँ, फर्स्ट क्लास की बात क्या जानू। अबे थिएटर में काम करने से काम नहीं बनता भाई, दुनिया की खोज खबर भी रखा करो। वो फर्स्ट क्लास में होगा, फर्स्ट क्लास का ध्यान रखना है। लेकिन हुजूर, आप नटवर श्याम को पहचानते तो हैं? सिर्फ नाम से। सिर्फ नाम से? जरा देखते रहना फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट किधर है। वो गया, चलो आगे चलो आगे। अरे वो फर्स्ट क्लास उधर है, इधर आओ इधर आओ। कमड़ी लाल, अरे फर्स्ट क्लास क्या, फर्स्ट क्लास क्या, एक पीछे भी है सरकार। ओ तो फिर ये चलाना होगा, वो मर्दाना है। आइए चलो। राजा अब क्या करें? अरे यार ये खिड़की पीछे छोड़ता ही नहीं, जरा देख दो, इसका घर बार नहीं है, वहीं खड़ा है यार। चल चल। आप लोग बम्बई से आए हैं? जी जी हम लोग बम्बई से आए हैं। तो प्रोफेसर, 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 ओहो आप ही हैं। अरे राजा, 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 अरे ये तो बच गए। आइए आइए प्रोफेसर, ये लीजिए लीजिए, लाइए लाइए, चलिए 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 राजा, चलिए। सलाम दीदी साहब। विनोद ने मुझे मुसीबत में डाल दिया था, मैं तो सोचा था कि आपको पहचान ही नहीं सकूंगा। बहुत हो भाग गया राजा। कौन प्रोफेसर, कैसा प्रोफेसर, जूते फरवाएगा क्या? अरे यार तू समझता क्यों नहीं, स्टेशन के बाहर निकल जाए फिर सब देखा जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा। कैसा नहीं जाऊंगा? आप ठहर क्यों गए, आइए ना। जी जी देखिए देखिए, मैं कह रहा था कि मैं प्रोफेसर, ठीक आ गई। ये हमारे प्रोफेसर साहब पूछ रहे हैं कि आपने कुछ गाड़ी घोड़े का बंदोबस्त किया क्या? मोटर बाहर खड़ी हुई है, आइए ना प्रोफेसर साहब। चलिए गधा कहीं का। मेरे गरीब खाने पर रहने की तकलीफ उठानी पड़ेगी आप लोगों को। अरे गीता शीला कहाँ गए तुम सब? ये है डॉक्टर रॉय, और आप राजा राम, दो समझिए प्रोफेसर, समझिए असिस्टेंट, समझिए जो कुछ समझिए। ये हमारी बहन गीता और ये भांजी शीला और मेरी बेटी मंजू, वो अभी तक आई नहीं। अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। देखो गीता, मेहमानों की देखभाल की जिम्मेदारी तुम पर है, शिकायत का मौका ना देना। लंबे सफर से आए, इनके रहने का इंतजाम सब कुछ अपने हाथ से ठीक किया। शीला आइए आइए ना। जी जी जी, देखिए राय साहब, मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलती हो रही है। मेरा मतलब है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इनका मतलब ये है कि ये सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि प्रोफेसर भी है। प्रोफेसर डॉक्टर, डॉक्टर प्रोफेसर, क्यों है ना? हाँ हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, विनोद मुझे सब कुछ बता चुका है। उसके न आने की वजह से आप लोगों को दिक्कत हो रही है। जी साहब, आपके होते हमें क्या दिक्कत हो सकती है। फिर भी मैं कह रहा था कि अगर एक बार मैं, बहादुर साहब इनका मतलब ये है, मेरा मतलब ये है कि ये बहुत परेशान है, इनको आराम अगर मिल जाए तो मजा आ जाए। क्या ये तो मैं कह रही थी, ऊपर चलिए चलिए ना, चलिए ना, आइए आइए। आपने यहाँ रहने का इंतजाम किया है, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। जब दिन ढल जाएगा तो नदी किनारे सैर करने जाएंगे। कौन? बहुत अच्छा लगेगा। आपके लिए चाय कॉफी कुछ? जी इस वक्त कुछ खाने पीने की आदत नहीं है, आपको खाने का तकलीफ होगी। तकलीफ तो आपने की जो यहाँ के दर्शन दिए। एक बात कहूँ प्रोफेसर रॉय? जी। आप बहुत शर्मीले हैं, आराम से बैठिए। आप ठीक कहती हैं, हमारे प्रोफेसर साहब वाकई बड़े शर्मीले हैं।
राजा राम। वो मैं कह रहा था वो आपने कोई चाय और बिस्किट वगैरह के बारे में कुछ कहा था, वो क्या हुआ? मांगू जी आप ही लाना। नहीं तुम नहीं, आप चले जाए ना, आपके चाय की आपके हाथ की चाय बड़ी मीठी होगी ना। आखिर तू चाहता क्या है, जेल जाने की ठानी है क्या? अरे तू डरता क्यों है? अरे डरने की तो बात ही है, कौन प्रोफेसर, कैसा प्रोफेसर, क्यों आ रहा था कुछ पता नहीं, और ऊपर से फंस गया मैं। अगर उन लोगों को पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो फिर? अरे क्या, घर से बाहर निकाल देंगे, जान थोड़ी लेंगे। जी नहीं, कान पकड़ कर सवाल आपकी हवेली तक पहुँचाया जाएगा और फिर जालसाजी की मुहर लगवा कर चक्की पिसवाई जाएगी, समझे? मैं सब समझ रहा हूँ। लेकिन जब तक प्रोफेसर साहब नहीं आए हम जा भी तो नहीं सकते। जेब में ठनठन गोपाल नहीं, पेट में चूहे कलाबाजी मार रहे हैं, भगवान ने इतनी अच्छी जगह दी है रहने के लिए। अरे यार अगर इसको छोड़ के जाएंगे तो पाप होगा पाप। तो फिर तुम पुण्य बटोरो, मैं चला। एक तो गलती करो, ऊपर से उस लड़की की मुसीबत, मैं कहता हूँ नाक में दम कर देगी, निकल भाग यहाँ से। मैं कहता हूँ तू घबरा मत, बैठ जा। मैं कहता हूँ उठ जा, मौका है भागने का। भाई मौके से फायदा उठाना वो अपना काम है। भाई साहब आप बैठ जाइए, रात को खाना खा के आराम से सोचेंगे, बैठ जा। और कहीं अपना बाबा आतपका तो? बाबा, बाबा कौन? प्रोफेसर। ओहो मत घबरा, उसका भी सब इंतजाम कर लिया हूँ। कोई ट्रेन अभी आने वाली नहीं तो कोई प्रोफेसर भी नहीं आएगा। ठीक है, तू इसका इंतजार कर, मैं चला। मैं तो रहूंगा। तू रह, मैं चला। राजू क्या है? तू मुझे छोड़कर चला जाएगा? बेशक जा सकेगा, क्यों नहीं जा सकता है? तू मेरा लगता कौन है? दोस्त ना, जो दोस्ती जेल भिजवा दे ऐसी दोस्ती से मैं बाज आया। तो अच्छा तू जा, तू नहीं चलेगा? ठीक है मैं जाता हूँ, मैं सचमुच जा रहा हूँ। हाँ मैंने कह दिया ना जा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ। मैंने भी आखिरी बार कह दिया। अच्छा तो मैं जा ही रहा हूँ। तू जानता है ना मैं तेरे बगैर जा नहीं सकता, तू समझता क्यों नहीं? ये तेरी जिद बड़ी महंगी पड़ जाएगी, सामने जो मुसीबत आने वाली है तू उसका अंदाजा नहीं लगा सकता। भाई साहब पहले तो चाय आने वाली है। चाय को लेकर कौन आने वाली है? हाँ यार उस लड़की ने तो नाक में दम रखा है, इसीलिए कहता हूँ मेरे साथ भाग चल। एक दो तीन चार, आप ऊपर बहुत अच्छी तरह रहेंगे। आइए तशरीफ लाइए। ये है मेरा ड्रेसिंग रूम, कुछ जनाना ड्रेस है कुछ मर्दाना ड्रेस है, मगर आप बेफिक्र रहिए, गोली मारिए ड्रेसों को। और हाँ ये है ड्रेसिंग टेबल, और ये रहा आपका पलंग, यहाँ कभी कभी मैं भी आराम करता हूँ। आप ऐसा कीजिए कि अपने कपड़े बदलिए। लेकिन जरा भाव रे। अरे मास्टर जी आप जब भी बात करते हैं तो कथा करते हैं, ये भाव वाले नहीं है, गाने बजाने वाले हैं। गाने बजाने वाले? हाँ जी आप यहाँ आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय भेजता हूँ, फिर गाना बजाना होगा। मेरा मतलब है कि यहाँ के बाजे तबले से आप अपना सुर मिला लीजिए। गाना? गाना कौन गाएगा? जी हुजूर आप गाएंगे और कौन गाएगा? मैं गाना गाऊंगा। नहीं तो क्या मैं गाऊंगा? मैं गाना, मगर ऐसी तो कोई बात नहीं थी, मुझे तो सिर्फ लेक्चर यानी भाषण। अरे भाषण वाषण को गोली मारिए, भाषण से कहीं रंगीनी आती है? कहीं रंगीनी आती है? गाने से रंगीनी आती है। आप शायद गलती कर रहे हैं। मैं गलती कर रहा हूँ? दरअसल बात यह है कि आप इनको समझने में गलती कर रही है, तो महापुरुष है। जी नहीं आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपको गलत नहीं समझा, मैं आपको बिल्कुल ठीक समझाऊँ। इतनी दूर से आपको जो बुलाया, पैसे खर्च करके कितनी बुलवाया है? सुनिए तो मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप क्यों मजाक कर रहे हैं हमसे? आपका इतना नाम है? ओहो मैं समझ गया, इसमें इनका कसूर नहीं है दमड़ी लाल। एक्टर जो लोग है ना इनकी कौम ही खराब होती है, जब इनका नाम हो जाता है तो इनके नखरे मोटे हो जाते हैं। लेकिन आप नखरे जरा पतले कीजिए। आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं आपके लिए स्पेशल चाय भिजवाता हूँ जिससे गला खुल जाएगा। इलायची वाली? हाँ इलायची वाली। चलो चलो चलो। लेकिन मैं गाना नहीं गाऊंगा। जी आपका मान भी। आप गाएंगे? गाएंगे आप गाएंगे? ए भोला मालिक कहाँ आकर फंस गए? मालिक जगह तो बहुत अच्छी है। खाक अच्छी है क्या? जी रास्ता अच्छा है, यहीं से भागेंगे। Ha ha!
माहौल फट गया उन लोगों का। संभाल संभाल गिरेगा। जैकेट निकाल। मैं कैसे जाऊं उधर? गधा कहीं। ये क्या किया आपने? हमारी बॉल लाके दीजिए। जैकेट निकाल। मुझे तैरना नहीं आता। मुझे भी तैरना नहीं आता। हम कुछ नहीं जानते। हमारी बॉल लाके दीजिए। जैकेट निकाल। हाँ नहीं नहीं मुझे तैरना नहीं आता। मैं कैसे जाऊं? जैकेट निकाल। हम कुछ नहीं जानते। अरे ये तो घुटने घुटने पानी है। बॉल किधर? ये रहा। दे दे। माफ कीजिए। बॉल चाहिए? लो बॉल लो। अच्छा अरे बॉल कहाँ गया? ले क्या? ले क्या? नहीं नहीं वो पानी बहुत गुगी। नहीं मैं नहीं जाता, मेरे को डर लगता है। दमनी लाल इस बात तो सारा नुकसान पूरा हो जाएगा। पर्दे वर्दे सब मैं बनवा डालूंगा। अरे बोले कहाँ जा रहे हो प्यारे? जी मैं नहीं जाऊंगा। देखिए आपको एक घोड़ा गाड़ी टांगा बग्गी का बंदोबस्त कर सकते हैं? हाँ कर सकता हूँ। कहीं बाहर जाने का इरादा है? जी हाँ। नहीं ये मैं नहीं बताऊंगा। वो क्यों भाई? ये तो बताओ घोड़ा गाड़ी जो मांग रहे हो वजह क्या है बताओ। अरे आखिर बात क्या है? जी ये मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा बाद में बता देना, मगर ये तो बताओ कि जाओगे कहाँ और लौटोगे कब? जी अगर चले गए तो फिर लौट कर कौन आता है? जी हाँ मैंने मालिक से कहा कि ये जगह बड़ी अच्छी है, मगर वो मानते ही नहीं, कहते हैं गाड़ी लेकर आओ। गाड़ी? एक घोड़ा भी मंगवा दीजिए उनके लिए। मेरे लिए नहीं उनके लिए। हाँ मंगवा देते हैं मंगवा देते हैं। रमणी लाल जरा शमशेरू और शेरू को आवाज दे। शेरू शमशेरू जागते रहो। और तुम मेरे साथ आओ जरा। गाड़ी चाहिए ना? चल चलो ऊपर चलो। शेरू शमशेरू चल दिया ना क्यों आलिदा? ये आपने क्या तमाशा बना रखा? आप समझते क्या है? क्या आपने गाड़ी किस लिए मंगवाई? आप यहाँ से भागने की सोच रहे हैं? भागने? कौन कहता है? आपका नौकर कहता है भोला बोल पे। मालिक आपने जो मुझे भागने की बात कही थी ना वो मैंने इनसे बिल्कुल नहीं कही। हाँ जो गाड़ी बगाने के लिए कहा था वही मैंने। अरे तू क्या कहेगा, उधर टिकट बिक चुके हैं, हाउस फुल हो चुका और आप यहाँ से उड़न चू होना चाहते हैं। आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? जवाब नहीं आपका, मैं आपसे क्या चाहता हूँ आपको अभी तक नहीं मालूम। आप जो चाहते हैं मैं समझ चुका हूँ। किबला 20 बरस मैंने कुछ झक नहीं मारी, खेतरी की है, मैनेजरी की है, प्रोप्राइटरी की है, मेकअप मैंने की है, लेडी एक्टरी की है और तबला भी बजाया। आप जैसे हजारों एक्टर आए और चले गए लेकिन मैं वहीं का वहीं खड़ा रहा। किबला आपको गाना ही पड़ेगा। मगर मैं कहता हूँ आपसे गलती हुई है। मेरे से गलती सिर्फ इतनी हुई है जो मैंने आपको पैसे भेज कर यहाँ बुलवा लिया। याद रखिए मैं एक पैसा भी नुकसान का बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूँ। तैयार नहीं हूँ। लाल तबला बाजा लाओ, यही गाना होगा। मगर मैं गाना वाना कुछ नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद आप कहेंगे कि आप एक्टर भी नहीं है। नहीं हूँ। और फिर आप कहेंगे कि आप नटवर श्याम भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और फिर आप कहेंगे कि आप आदमी भी नहीं है। जी नहीं हूँ। नहीं हो फिर क्या है? तो फिर बर्फ ला इनके सर पर रख, जब आ रहा तबला ला, आज गाना यही होगा, यही होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। भोला होगा। आ गई आ गई, जिसका इंतजार था, जिससे बाहर थी, जिसका कुमार था, धातु नकद। आओ आओ जाने मान आओ। सॉरी सॉरी, इनसे मिलो आप। कागज की जरूरत नहीं, इतने बड़े कलाकार को पहचानने में भला मैं गलती कर सकती हूँ? बेशक 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 है। और आप हैं हमारे पूर्णिमा थिएटर की चांदनी, मशहूर मारूफ हर दिल अजीज एक्ट्रेस बाई भाई मुनी भाई। आपने नाम तो सुना ही होगा इनका। जी नहीं। कमाल करते आप भी, इतनी बड़ी हीरोइन का नाम तक नहीं सुना आपने? कमाल है। मालिक मैंने सुना है। शायद जी हाँ। भला हम गरीबों का नाम आप तक कैसे पहुंच सकता है? लेकिन मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है और जब से ये सुना कि आप यहाँ आने वाले हैं तो मेरी रातों की नींद हराम हो गई। उठते बैठते 24 घंटे आपका ख्याल रहता है। इतनी तमन्ना है आपके साथ काम करने की, आपके साथ रहने की और आपसे कुछ सीखने की। समझे ना दिल की लगी, सजन बड़े वो है, बलम बड़े वो है, सनम बड़े वो है। हाय झटके कलैया मोरी, सजन बड़े वो है, बलम बड़े वो है, सनम बड़े वो है। अपनी बना के हमें अपनी न समझे।
मैं तो उनको निहारूं खड़ी सजन बड़े वो है बलम बड़े वो है सनम बड़े वो है समझे ना दिल की लगी सजन बड़े वो है बलम बड़े वो है सनम बड़े वो है भार उसी पर है, उसी की इंतजाम में उलझ गई होगी, अभी आ जाएगी। शीला, तुम ख्याल रखना, मेहमानों को खाने पीने की कोई तकलीफ ना हो। जी आप बेफिक्र रहिए, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या ठीक है ना? हाँ, नहीं हमें कोई तकलीफ नहीं। आप लोगों को शायद ये खाना पसंद ना हो। अजी बेहद पसंद है, आप चिंता न कीजिए, ऐसा खाना तो हमने जिंदगी में कभी नहीं खाया है। खाया है? अरे भूल गए हो? अरे अमेरिका में ऐसी खाना खाया था। अजी साहब इन्हें याद नहीं, हम लोगों को शहर शहर घूमना पड़ता है ना, इसलिए हर खाना खाने की आदत रखनी चाहिए। ठीक है ना? आप अमेरिका में कितने दिन रहे थे डॉक्टर राय? जी मैं हाँ अजी साहब, हम बहुत दिन ठहरे अमेरिका के अंदर, याद है हनुलुलु में कितना अच्छा खाना मिला था? बहुत अच्छा था जी। हाँ जी, हम 10 दिन हनुलुलु में ठहरे, बहुत अच्छी जगह है, और वहाँ से सीधे हम लोग हॉलीवुड भी चले गए। हाउ वंडरफुल, मैं तो दुनिया दूसरी की सपनी देखती रहती हूँ, एक दिन वहाँ जरूर जाऊंगी। अच्छा आपने रॉक हडसन, विलियम होल्डन, टोनी कर्टिस, इन सबको देखा है आपने? जी हाँ देखा है। जी हाँ, हम लोगों ने फिल्मों में भी देखा है और टेलीफोन में भी देखा है। टेलीविजन? हाँ टेलीविजन में भी देखा है। जी साहब वो लोग तो हमारे साथ खाना भी खाए हैं, लेकिन डॉक्टर राय उनसे बातचीत नहीं करते थे। How sad. हाथ से नहीं छुरी काटे थे। कैसे? जैसे मैं खाता हूँ ऐसे। आप तो कुछ खाना ही नहीं खा रहे हैं, क्या कुछ तकलीफ है? नहीं खा रहा हूँ। शर्माइए नहीं, अपना घर समझ के खाना खाइए। लो मंजू भी आ गई, बड़ी उम्र हो बेटी, अभी तुम्हारी याद कर रहे थे, इनसे मिलो, यही है वो मशहूर नामी प्रोफेसर रॉय, और ये उनके प्राइवेट सेक्रेटरी राजा राम बाबू, ये हमारी बेटी मंजू। नमस्ते। आप बैठिए बैठिए बैठिए। मंजू क्या हो रहा? आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं खाया, घबराइए नहीं, मैं अभी मेज सफा करवा के खाना लगवाए देता हूँ। जी जी कोई बात नहीं, मैं तो खा ही चुका हूँ, और उसे तो भूख ही नहीं थी, सिर्फ साथ देने के लिए बैठा था। जी हाँ मुझे भूख नहीं थी।
जल्दी बाहर जा, जाके देख शायद भागने का कोई रास्ता निकले। अरे मालिक सुबह तो होने दो, रास्ता अपने आप आ जाएगा। मालिक वो शेरू शमशेरू फेर रहे हैं। शेरू शमशेरू? हाँ मालिक। तो भागने का कोई रास्ता नहीं? अरे मालिक एक रास्ता था, वहां भी शेरू और शमशेरू। अब क्या करें? कुछ सोच तो मालिक। क्या कहा? अब कुछ सोच तो। अरे जल्दी उठ, कोई देख लेगा। और देख लेगा तो क्या होगा, मैं खाना खा रहा हूँ, चूड़ी पूरी कर रहा हूँ। कोई आ रहा है। अब क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? मैं करता हूँ। अरे जी, आप यहाँ? जी हाँ, मैंने अभी भी कुछ आवाज। हाँ। अरे ये क्या कर रहे हैं? जी वो इतने रात गए? आज तो बोलिए, नींद में है। नींद में? जी हाँ, कच्ची नींद है, टूट गई तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी।
गड़बड़ हो जाएगी। पर ये तो जाग रहे हैं। जाग नहीं रहा, सो रहा है। उसे नींद की बीमारी है। नींद में खाना खाता है, पानी पीता है और कभी कभी गाना भी गाता है। देखिए देखिए, अभी वो नींद में चलने लगेगा। ये उठा, ये चला, ये चला, देखा, ये आया। अब कहाँ जाएंगे? जी जी, जहाँ भी आप कहें। वो सीधे सोने के कमरे में। ठोकर खाकर गिरेंगे तो नहीं? यही तो अजीब बात है, नींद में चलता है मगर ठोकर खाकर कभी नहीं गिरता। चलिए देखें। चलिए। याद नहीं रहेगा कि कहाँ गया था, क्या खाया था, क्या पिया था। अजीब मुसीबत है, तभी उसे अपने साथ ले जाते हुए डर लगता है। देखिए ना, कमबख्त ने आपकी भी नींद खराब कर दी। नहीं, मैं तो जाग ही रही थी। इतनी रात तक? नींद नहीं आ रही है। मुझे भी नहीं आ रही है, और आएगी इसके आसार भी नजर नहीं आते। तो आपको बहुत तकलीफ होगी। अभी तक तो हुई नहीं, और अगर बाकी रात हम लोग बातें करने में गुजारते तो बिल्कुल भी नहीं होगी। आप तो कुछ बोलते ही नहीं। आप भी तो खामोश हैं। मैं सोच रही थी कि शाम को हम लोगों ने आपके साथ जो सलूक किया था उससे आप बहुत नाराज हो गए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मजा आ गया। घुटने घुटने पानी में हम लोग डूबने लगे थे। आपको देखकर तो कोई सोच भी नहीं सकता कि आप इतने बड़े स्कॉलर होंगे। मैं भी तो जी जान से यही कोशिश कर रहा हूँ कि लोग मुझे ये ना समझें कि मैं कोई स्कॉलर या प्रोफेसर हूँ, एक मामूली सा इंसान हूँ, मगर कोई मानता ही नहीं। शुक्र है जो आप ही ने मुझे सचमुच पहचाना। मुझे किताबी कीड़ों से बहुत डर लगता है। मुझे तो नहीं, नहीं, नहीं। आपको नींद आ रही? जी नहीं, मेरे ख्याल से आपको नींद आ रही है। शायद आपको आ रही। मुझे बिल्कुल नहीं आ रही। आप जरूर तकल्लुफ कर रहे हैं। जी बिल्कुल। चांद चुपचाप है, सितारे गुमसुम। चांद चुपचाप है, सितारे गुमसुम। मेरे प्यार को जगा के सो गए हो तुम, कहाँ खो गए हो तुम। चांद चुपचाप है, सितारे गुमसुम। मेरे प्यार को जगा के सो गए हो तुम, कहाँ खो गए हो तुम। समा ये आसमा, ये हवा ये रुत जवा, तेरी आँखों की कसम हम तो खो गए यहाँ। कर गई गुमराह तेरी पहली रुम झुम, कर गई गुमराह तेरी पहली रुम झुम। मेरे प्यार को जगा के सो गए हो तुम, कहाँ खो गए हो तुम। चांद चुपचाप है, सितारे गुमसुम। मेरे प्यार को जगा के सो गए हो तुम, कहाँ खो गए हो तुम। किसको ढूंढते मैं रात भर जगे जगे,
जगे जगे तेरे दर पे आके हम रह गए ठगे ठगे। दिल की धड़कनों पे कैसी बज रही सरगम, दिल की धड़कनों पे कैसी बज रही सरगम, मेरे प्यार को जगा के सो गए हो तुम, कहाँ खो गए हो तुम, चांद चुपचाप है सितारे गुमसुम, मेरे प्यार को जगा के सो गए हो तुम, कहाँ खो गए हो तुम। झूमता जहान है मस्त आसमान है, जिंदगी से मिलके हुई जिंदगी जवान है, आज की ये रात हो रहा बड़ा जुलुम, आज की ये रात हो रहा बड़ा जुलुम, मेरे प्यार को जगा के सो गए हो तुम, कहाँ खो गए हो तुम, चांद चुपचाप है सितारे गुमसुम, मेरे प्यार को जगा के सो गए हो तुम, कहाँ खो गए हो तुम। रात काफी हो गई है, अब सो जाइए। मेरा हिस्सा कहाँ है? खाएगा? मुर्गी का? मैं पेट में। पेट में? क्या मतलब? बड़ी अच्छी मुर्गी बनाते हैं यार ये घर वाले। यानी कि तू सारी की सारी मुर्गी खा गया? मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा? तो मैं खाऊं क्या तेरा सर? तू खाना नहीं खाया? नहीं तो घबराता काहे को है? एक और मुर्गी रखी हुई है। कहाँ? किचन में। किचन में? नहीं नहीं नहीं, तू नीचे जाएगा तो सब जाग जाएंगे। घबराता क्यों है? ये घर वाले गधे घोड़े बेच कर सोते हैं। अच्छा। अभी ले आया। मगर देख, जरा संभल के। संभल के। मैं गया और आया। अच्छा। सब खा गया। जी जी, तुम इतनी रात को यहाँ? जी मैं जरा देख रहा था। सुनिए, लेकिन ये तो 200 मील पीछे स्टेशन का टिकट है, वहाँ पर क्यों नहीं उतरे? अरे चलती गाड़ी में से उतरेगा, गाड़ी रुकी नहीं, स्टेशन आया नहीं, हम कैसे उतरेगा? अच्छा, स्टेशन ही नहीं आया? नहीं आया। अच्छी बात है, यहाँ तक के किराया निकालिए, मैं बताता हूँ स्टेशन क्यों नहीं आया। अरे तुम बताएगा? तुम क्या बताएगा उनको? किससे बात करता मालूम है? जानता नहीं हमको? नहीं नटवर श्याम बहुत बड़े कलाकार। अरे खानदानी एक्टर है हम। अरे होंगे होंगे जी, पहले किराया निकालिए। अरे किराया तुमको हजार बार देगा, लाख बार देगा है? मगर तुम क्या करो, गाड़ी को पीछे घुमाओ, इंजन को पीछे लगाओ और हमको वापस वहाँ पहुँचा दो। राय बहादुर साहब, आपकी ये जगह इतनी अच्छी है, लेकिन ये सोचते ही तकलीफ होती है कि दो चार दिन के बाद यहाँ से चला जाना पड़ेगा। कौन कहता है हम लोगों को जाने के लिए? मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा यहाँ रहें। इतना बड़ा मकान, बाग, बगीचा, रहने वालों में दो बाप और बेटी।
इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपके चार आठ बेटा बेटे भी होते तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। आप बड़े मजेदार आदमी है राजा राम बाबू, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहिए कहिए। अपने दोस्त को राजी कीजिए। किस बात के लिए? मैं अपनी बेटी मंजू की शादी उससे करना चाहता। शादी? हाँ हाँ। ब्याह? अजी साहब ये तो हो जाएगी। अरे इतनी अच्छी जगह, धन दौलत, बाग बगीचा और पढ़ी लिखी लड़की, अरे हमारा दोस्त तो बड़ा ही नसीब वाला है। ये शादी हो के ही रहेगी, आप घबराइए। मालिक चलेगा टेलीग्राम। खुशखबरी होगी। विनोद आ रहा है। ओ विनोद आ रहा है। विनोद आ रहा है 11 बजे। ए मोरेटे। प्रोफेसर साहब आप तो कुछ बात ही नहीं करते, बहुत ही शर्माते हैं। ये तो मेरे बचपन की आदत है। इतने दिल फरेब माहौल में मेरा दिल चाहता है आपके साथ घूमते ही रहूं। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है घर चलना चाहिए, देर हो रही है। अभी तो बहुत ही वक्त है, थोड़ी देर बैठिए ना, गाना गाएंगे। एक बात बताइए, इतने रोमांटिक एटमॉस्फेयर में आपका दिल क्या चाहता है? भागने को। आप बड़े वो हैं, आपको हर वक्त मजाक करने की आदत। मेरा पैर छोड़िए। यहाँ आइए। अरे अरे ये क्या हो रहा है, कोई देख लेगा? कहने दीजिए, हम यहाँ बैठ के बातें करेंगे। बातें तो घर चलकर भी हो सकती हैं। नहीं प्लीज बैठिए ना। छोड़िए। प्लीज बैठिए। बैठिए ना। अरे अकेले से काम ना होगा, चार कुली बुला लूं। कुली 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 कुली। अरे ये आप कहाँ भागे जा रहे हैं? जी जी मैं भाग कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आ रहा हूँ। सब देख चुके हैं, एक मुसीबत ज्यादा लड़की को छोड़कर आप भाग रहे हैं। अगर आप चाहें तो मदद कर सकती हैं। जी नहीं, उसे मेरी नहीं आपकी मदद की जरूरत है। सलाह के लिए शुक्रिया, मगर बात मेरे बस की नहीं। मेरा ख्याल है चावल ले सकते हैं आप। जी ऐसी बातें आपके मुँह से अच्छी नहीं लगती। अरे अरे गिर जाएंगी आप। पहली बार सवारी नहीं कर रही हूँ। लेकिन मुझे डर लगता है। उतर आइए प्लीज। गिर जाऊँ तो आप उठाने की तकलीफ न कीजिएगा। मंजू देवी। मंजू देवी। कहाँ चोट लगी आपको? आप क्यों पकड़े हैं मुझे? आप घोड़े से गिर पड़ी थी, मैंने। आप छोड़ दीजिए मुझे। आप बैठकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए पानी ले आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं घर जाऊंगी। मगर आप चल नहीं सकेंगी। मैं खूब चल। सुनिए तो मंजू देवी, आप किसी की बात क्यों नहीं सुनती? आदत नहीं है। ठीक है, मैं राह बहादुर से कहकर आपकी घुड़सवारी बंद करवा दूंगा। कह दीजिएगा। तो आप नहीं मानेंगी? नहीं मानेंगी। आप ये क्या बतमीजी है? क्या बतमीजी? छोड़िए मुझे, ये क्या बतमीजी कर रहे हैं आप? छोड़िए ना। आप ही शायद विनोद बाबू हैं? जी हाँ।
आप ही का जिक्र हो रहा था इस घर में सुबह से। लेकिन मैं तो आपको, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप प्रोफेसर राय को जानते हैं? जी हाँ, उनके साथ बहुत जुल्म हुआ। जुल्म? जी हाँ, वो सुबह चले गए। चले गए? हाँ, पर क्यों? राय बहादुर ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। राय बहादुर ने बुरा सलूक किया? अगर मैं उनकी जगह होता तो न जाने क्या के क्या कर बैठता। गजब हो गया, तब तो मुझे अभी जाना चाहिए। मैं अभी जाकर बात का पता लगा। जल्दी जाइए राय बहादुर, जल्दी जाइए। अरे विनोद, अजीब आदमी हो तुम। अरे कुछ सोच समझ के काम किया करो, ये कुछ इंसानियत है? प्रोफेसर राय को बस बस रहने दीजिए राय बहादुर, मुझे मालूम नहीं था कि आप ऐसे आदमी हैं। मैं वापस आके आपसे बात करूंगा। अरे विनोद सुनो तो सही, विनोद। एक तो जबरदस्ती आप मुझे उठा कर ले आए, ऊपर से बहादुरी जता रहे हैं। इसमें बहादुरी की कौन सी बात है? अगर जिंदगी भर आपको उठा उठा फिरता तो कोई बात होती। लाइए। मैं कहती हूँ कि आपका दिमाग क्यों खराब हो रहा है? चोट मेरे लगी है, मैं आपको इससे क्या? मुझे क्या? अरे मुझे क्या, ये आपको मैं कैसे समझाऊँ? लाइए पैर दिखाइए। दिखाइए ना। पैर नहीं छूते। मगर क्यों? प्लीज 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 प्लीज। सुनिए सुनिए तो, कहाँ जाना? तू कहाँ से आ गया यार, कबाब में हड्डी? अरे चल यहाँ से भाग चले। कहाँ? बम्बई। वो किधर है? जहाँ अपनी खोली है, तू वहाँ जा। अरे राजू, अरे वो विनोद आ गया। विनोद? कौन विनोद? हम दोनों का बाप। तो तू अपने बाप के पास जा, मैं। अरे पगले, अगर नहीं चलेगा ना तो हम दोनों का भांडा फूट जाएगा। चली गई, जाने दे। गला कहीं का? मैंने तुझे कह दिया मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। राजू, राजू तू मेरी बात मानता क्यों नहीं? अरे इज्जत इसी में है कि हम लोग यहाँ से भाग जाएं। तू भाग जा यार, उस दिन तो तू भागने के लिए एकदम तैयार था, आज क्या हो गया तेरे को? तब की बात तब थी, अब दुनिया बदल चुकी है। अच्छा ये बात है। देख राजू, अगर तू नहीं आएगा ना तो मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। तू भाग जा यार, मेरा सर मत खा। अच्छा मैं भाग जाऊं, अच्छी बात है। देख मैं जाता हूँ, तू जा। मैं आखिरी बार तुझसे कहता हूँ मैं चला जाऊंगा। ओहो, मैं भी आखिरी बार कहता हूँ, तू चला जा। नहीं जा, जा। पान खाइएगा, मीठा पान। अच्छा पान जी। तुम बना जी? सुनो जी, घर को सुनसान सा नजर आ रहा है। क्या बात है? कहाँ? घर में तो सभी हैं, कहिए किसको बुला दूँ? नहीं नहीं, बुलाने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा था कोई कोई दिखाई नहीं देता। कोई दिखाई नहीं है? घर में है, बीबी जी घर में ही है। स्कूल की लड़कियां आई हैं, उनके साथ नाटक कर रही है, नाच रही है। नाच रही है जी? पैर में दर्द नहीं हो रहा? अब होगा। तुम्हारी याद में फिर कैसे हो गया? आप जरा बता दीजिए। अच्छा तुम बैठो, मैं बता दी। देखो लीली, बिल्कुल नेचुरल खड़ी हो जाओ और जो कुछ बोलती हो उसको महसूस करके बोलो। मसलन, तुम्हारी राह तकती हूँ, तुम्हारी राह तकती हूँ सजन गिन गिन के तारे, तुम्हारी याद में रो रो के मैंने दिन गुजारे। मैं आपका पैर देख रहा था, आपका पैर ठीक है ना? पैर से ठीक है। तो फिर आप बैठ जाइए, तकलीफ मत कीजिए। मैंने मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? शुरू कीजिए। थैंक यू। श्यामा अब तुम खड़ी हो जाओ, बोलो। लेकिन मंजू दीदी, मुझे शर्म लगती है। अच्छा तो मैं अपना मुंह इधर कर लेता हूँ। ऐसी क्या बात है, अगर यहाँ शर्माएगी तो स्टेज पे कैसे काम चलेगा? चलो कम ऑन, बोलो। मैं जानती हूँ प्राणनाथ किए रणक्षेत्र है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे छोड़ के ना जाओ प्राणनाथ, मुझे छोड़ के ना जाओ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है श्यामा। फिर आप बतलाइए ना। ओहो, कितनी बार बतलाऊं तुम्हें। अच्छा सुनो। नहीं नहीं आप बैठिए, मैं दिखाता हूँ। मैं जानती हूँ
क्षेत्र का मामला है, चाहे तलवार हो, चाहे घोड़े हो, चाहे आंधी हो, चाहे तोप हो, बूम बूम बूम, लेकिन लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। ये मैदाने जंग का मामला है, खड़ी हो जाओ, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, मैदाने जंग में तैयार रहना। ये आपने क्या किया? ठीक ही तो किया, आपसे मुलाकात ही नहीं होती। अजीब है। वो तो मैं हूँ, सुनिए तो। देखिए देखिए, आप नाराज हो गए। मैंने उन्हें इसलिए भगा दिया कि मैं चाहता था कि आपसे कुछ बातचीत करूं, चाहता था कि आपको सुने, मैं कुछ कहूं। मेरा मतलब है, मैं कुछ कहूं, आपको सुने। कहिए ना। कह दूं? जी जी, मैं कहना चाहता था कि मेरा मतलब है कि मैं कहना चाहता था कि आपने खाना खा लिया? खाना? हाँ। खाना तो हम लोगों ने साथ ही खाया था। अरे धत्ते रिखी, मैं तो भूल ही गया। अब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। जी हाँ, मैं कहना चाहता था कि अरे आपको देर तो नहीं हो रही है? मुझे कहीं नहीं जाना है। तब ठीक है। हाँ तो, ओ हाँ, मैं कह रहा था कि बात दरअसल ये है कि मैं आपका पैर तो ठीक है ना? पैर तो बिल्कुल ठीक है। हाँ। मगर आपका दिमाग कुछ? जी हाँ, ये देखिए ना, ये मामले कुछ ऐसे होते हैं, दिमाग उलट जाता है। देखिए देखिए, घोड़े पर से मैं गिरा। मैं गिरी? आप गिरी, और चक्कर मुझे आ रहा है। पूरा ना मानिएगा प्रोफेसर, बिल्कुल प्रोफेसर नहीं लगते। आप मेरे मुंह की बात सुन ली, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ। मैं बिल्कुल समझ गई हूँ कि आप प्रोफेसर नहीं है। आप आज एकदम सादगी के मूड में हैं। देखिए ना, आप ये तक भूल गए कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे। जी हाँ, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि मैं आपसे क्या कहना चाहता था। आप मुझसे कहना चाहते थे? जी नहीं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। आप मुझसे कहना चाहते? जी नहीं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। आप मुझसे? जी नहीं, आपने देखिए, कल कह दूंगा। कान पे थोड़ा सा पाउडर है दे। ऐसे सूरत का बनाने सवारने में मजा आता है। माई कसम, क्या शक्ल पाई है हुजूर ने, पूरे राजकुमार लगते हैं राजकुमार। लीजिए हुजूर, पहन लीजिए कपड़े। ये सब पहनना होगा क्या? बेशक, इन्हीं कपड़ों से तो राजकुमारों की शोभा है। और फिर हुजूर, मुन्नी भाई के साथ जो सीन होगा ना, बिल्कुल रियल होगा, रियल। एक बात कहूँ हुजूर, अपनी मुन्नी भाई है ना, मुन्नी भाई आपको देखते ही दिल कदमों में रख देगी हुजूर। लीजिए, पहन लीजिए। मैं नहीं पहनूंगा। क्या नहीं पहनोगे बरखुरदार, हमारे आपके नखरों ने तो नाक में दम कर रखा है। बिल्कुल। मेरी एक बात तो सुन लीजिए। एक नहीं दो, पर जरा जल्दी। मैं सचमुच नटवर श्याम नहीं हूँ, मुझे मेहरबान करके छोड़ दीजिए, मैं एक प्रोफेसर हूँ, एक्टर नहीं। यही तो हम भी कहते हैं कि तुम प्रोफेशनल एक्टर हो, इसलिए तो तुम्हें पैसे देकर यहाँ बुलाया है। हमें तो हमारे काम से मतलब है, जरा जल्दी कपड़े पहन लीजिए, जल्दी। मैं नहीं पहनूंगा। नाराज क्यों होते हो? अरे यार, हमने सारा इंतजाम कर रखा है। शो खत्म हो जाने दो, पीना ही क्या कहो तो मिला दूंगा। आप लोग मुझे पागल समझते हैं या शराबी? मैं नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा। बाबा क्या करो से? मत पहनो, अजीब तेवर है। जरा मैं शेरू शमशेरू को बुला लूं और साथ में बाके बिहारी को, जहाँ दो हाथ पड़े है कि बस आप ही आप पहन लेंगे। ये लातों के भूत बातों से थोड़ी मानने वाले। बिल्कुल, तुम चुप रहो जी। बाके जी, मैं नहीं पहनूंगा। मुन्नी भाई, आज बहुत मालिक। क्या है भाई? अजीब चपड़ कंचू एक्टर पकड़ के लाए हैं आप। न मेकअप करता है, न कपड़े पहनता है। वो क्यों? कहता है कि नहीं हूँ, एक्टर ही नहीं हूँ। हाँ, और मैंने आपका नाम लेके धमकाया, तुम मुझे धमकाने लग गया। तुम्हें धमकाने लग गया? लग गया। मेरे होते हुए उसकी ये मजाल, मैं उसकी हड्डी पसली कर देता हूँ। मैं चल कर देखता हूँ खुद, माफ कीजिएगा। अरे कहाँ गया वो? अरे उधर पर्दा उठने वाला, वो किधर गया? मैं ऊपर जाके देखूं। ऊपर नहीं, इधर उधर देखो जाकर। सब टूटो, सब टूटो, बर्बाद से तोड़ दे। मास्टर जी, आपने देखा उसको? किसको सर? अजी, वो जो नया एक्टर आया, लंबा सा शुतुरमुर्ग। नहीं सरकार, मैंने तो नहीं देखा। तो ढूंढो, ढूंढो उसको, सब ढूंढो। चलो चलो चलो, ढूंढो।
वो तो ऊपर भी नहीं है। अरे नहीं तो मैं किधर गया? शायद बाहर गया। अरे बाहर कैसे जा सकता हूँ? शेरू शमशेर जो है। अरे हाँ, अरे बोला, ओ बोला, तेरा मालिक किधर है भाई? किधर है? मेरा मालिक? हाँ। मैं तो नहीं जानता। तू नहीं जानता? नहीं जानता। मालिक, मालिक। अरे आप यहाँ हैं और वहाँ सब आपको ढूंढ रहे हैं। अरे चुप चुप। मालिक जरा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं देता। अरे तुम बस चुप रहा। अच्छा ठीक है, लेकिन मालिक नाच तो ऊपर हो रहा है। अरे मरने दे, किसी ने नहीं कि मैं यहाँ हूँ। अच्छा मालिक, मैं किसी को नहीं कहूँगा कि आप यहाँ हैं। तो चल यहाँ से। नहीं मालिक, मैं नहीं जाऊँगा, वहाँ सब मिलकर मुझे मारते हैं। तो जा। नहीं जा। मालिक मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपके पास आऊँगा, मैं आता हूँ। शेरू, शमशेरू, जल्दी इधर आओ। आओ। श्री नटवर श्याम यहाँ विराजमान है। मान है। चुपके से सीधी तेरे बाहर निकलाओ। आओ। वरना एक्टर व्यक्ति सब भुला दूंगा। दूंगा। हाँ। जल्दी आओ। अरे आओ। आ जाओ ना। चलिए मालिक, बाहर चले, वरना ये लोग हमारी चटनी बना देंगे। तूने सब सत्यानाश किया। आते हैं, आते हैं। चलिए। मुझे धोखा देना चाहते थे? चाहते थे। हाँ, मेरा नाम भी बांके बिहारी है। बिहारी है। शेरू शमशेरू, ले चलो इसको और तैयार करवाओ। चलो और दमड़ी लाल, खेल शुरू करो। घंटी बजाओ, पर्दा उठाओ। हम लोग शायद ठीक ही वक्त पर पहुंच गए। टिकट टिकट आदमी पहचान कर बातें करो। आइए नटवर श्याम जी। अरे साहब टिकट लाइए पहले। भाई आप ही नटवर श्याम जी, दामा इन्हीं के दम से हो रहा, समझे? मैं सब समझता हूँ, ऐसी चालाकियां मैंने बहुत देखी हैं। पहले टिकट लाइए, उसके बाद अंदर जाइए। हट जाइए पीछे, पीछे हट जाइए। सुनो मैनेजर, मैनेजर को बुलाओ। बुलाइए मैनेजर को। मैनेजर साहब, मैनेजर। तुम चले आए, हाय तुम चले
क्या क्या ना पूछो हमारे, लाख बुझाए दिल के बुझे ना सूख गया है सूख गया, नैनों का पानी तुम चले आए, तुम चले आए बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, तुम चले आए बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आइए आइए आइए।
तो बाहर निकल आइए। मैं चोर नहीं हूँ, यकीन कीजिए मैं चोर नहीं हूँ। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। सुनो, लोगों ने मेरा पीछा किया, मैं डर के मारे यहाँ घुस आया। बहाने राजा रंग के चोदर ने आया। वो थिएटर वाले मुझे पकड़ ले गए थे। ये ड्रेस उन्हीं का है। मैं प्रोफेसर रॉय हूँ। प्रोफेसर रॉय? जी हाँ, यहाँ के स्कूल के जलसे में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आया था। यही के एक आदमी मिस्टर विनोद दास, वो मुझे लेकर आने वाला था। नो? जी हाँ, वो नहीं आया, इसीलिए ये सब गड़बड़ हो गई। अच्छा। यकीन कीजिए मैं प्रोफेसर हूँ। आंखें मर्दानी, दो आंखें जनानी, दो आंखें मर्दानी, गुपचुप गुपचुप क्या बात करें, चोरी 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 मुलाकात करें, दो आंखें जनानी, दो आंखें मर्दानी। पलकों का डोलना, मुँह से कुछ ना बोलना, पलकों का डोलना, मुँह से कुछ ना बोलना, दिल के तराजू पे पराया दिल तोलना। ये रुत है सुहानी, बिन बादल के बरसात करें, चोरी 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 मुलाकात करें, तो आंखें जनानी, तो आंखें मर्दानी। प्यार का नाता जोड़ के, लाज का बंधन तोड़ के, प्यार का नाता जोड़ के, लाज का बंधन तोड़ के, जाने क्यों मिले हैं हम दुनियादारी छोड़ के। प्रोफेसर जी, मंजू जी, आप तो हंसे ही जा रहे हैं पिताजी, कहिए ना क्या कहना चाहते हैं। कहूँ? कहिए ना। आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है बेटा, इतनी खुशी कि मुझे बयान तक नहीं कर सकता। चलो चलो, आज घूमेंगे फिरेंगे, पिकनिक करेंगे, उधर करेंगे। आपको क्या हो गया है? अरे बेटा, आज तक जो उम्मीद थी वो भगवान ने पूरी कर दी। मैं चलता हूँ चलता हूँ, जरा इंतजाम करना है ना, और तुम लोग भी साथ साथ आओ। उन्होंने आपको स्टेज का हीरो ही बना दिया। देखिए ना, आते ही बेचारे कैसी मुसीबत में पड़ गए। राय बहादुर कहाँ गए? बुआ जी, शकुंतला आवा, कैसी हो? अच्छी हूँ। राय बहादुर कहाँ है? यही कहीं तो थे, शायद बाग में प्रोफेसर राय के साथ चल रहे होंगे। प्रोफेसर राय? कौन से प्रोफेसर राय? जैसे तुम तो कुछ जानते ही नहीं। अरे वही प्रोफेसर राय जो अमेरिका से आए हैं, जिन्हें तुम अपने साथ ला रहे थे। वो तो ये है बुआ जी। वो ये है? तो फिर वो कौन से प्रोफेसर है? हाँ बुआ जी, इन्हीं के आने की बात थी। इन्हीं के आने की बात थी जी। हाँ, मगर शीला,
यही है वो आदमी जिसने कहा था कि आप नाराज होकर चले गए। ये है कौन बुआ जी? उनके दोस्त, उनके असिस्टेंट। दोस्त असिस्टेंट? दोस्त हूँ, असिस्टेंट हूँ, चेला हूँ, अरे गुरु सब कुछ मैं तो हूँ। होंगे, पर आपने मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था आपने? ये नहीं कहा था कि प्रोफेसर राय नाराज होकर चले गए? मैंने कब कहा? कल जब आपसे मैं मिला तो आपने ये नहीं कहा? आप क्या कह रहे हैं, मैंने आपको कभी देखा ही नहीं। ये है कौन? विनोद है। विनोद? आप झूठे हैं। झूठे आप? देखिए साहब, मुंह संभाल के बात कीजिए। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मैं झूठों के बस्ते में रहना ही नहीं चाहता। अरे तुम लोग कहाँ हो? आज घर में बैठने का दिन नहीं है। पिकनिक में चलेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे। अरे विनोद, तुम भी आ गए, बहुत अच्छा हुआ, तुम भी हमारे साथ चलोगे। लेकिन कल क्या हुआ था? बाद में बताता हूँ राय बहादुर। आप मिलिए, आप है प्रोफेसर रॉय, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। नमस्ते। प्रोफेसर रॉय? जी हाँ, प्रोफेसर रॉय, जिन्हें मैं लाने वाला था। जिन्हें तुम लाने वाले थे? जी हाँ। डॉक्टर रॉय? जी हाँ। मगर ये कौन है? मैं नहीं जानता, मैं ये पहचानता भी नहीं। इन्हें प्रोफेसर राय समझकर मैं इतने... अगर इन्होंने अपने आप को प्रोफेसर राय कहा है तो जालसाजी की है, ये धोखेबाज है। मैं धोखेबाज? धोखेबाजी नहीं, तुम बेशरम भी हो जो अब तक क्या करे हो। तुम पागल हो गए हो, मुझे समझने तो दो कि बात क्या है। तुम अभी भी नहीं समझे भैया, प्रोफेसर राय तो ये सामने खड़े और ये लुच्चा लफंगा बदमाश है। चुप रहो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है विनोद, ये कैसे हो सकता है? राय बहादुर, प्रोफेसर राय को मैं बचपन से जानता हूँ, मेरी आंखों में धूल झोंकना आसान नहीं है। पुलिस बुलवाइए, अभी असलियत का पता चल जाए। हाँ, ऐसे करो विनोद बेटा। राम राम राम। इस लफंगे के हाथ अपनी बेटी देने जा रहे थे। ए दुर्गे भवानी, तूने मुझे बचा लिया, जल्दी करो, इसे जल्दी जेल भेजो। अगर चक्की न पिसवाई तो मेरा भी नाम विनोद नहीं। तुम कौन हो और क्यों यहाँ आए? विनोद जी नहीं, स्टेशन पर राय बहादुर के आदर सत्कार ने मुझे बिल्कुल गूंगा बना दिया। बहुत सोचा कि बिना कुछ कहे भाग जाऊं, लेकिन भाग न सका। पिछले 3-4 दिनों में जिस प्यार और स्नेह की अमृत वर्षा मेरे जीवन में हो चुकी है, वो मेरी जिंदगी की सबसे कीमती यादगार है। मैं जानता था मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे सजा मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं इस मोह के बंधन को न तोड़ सका। आप चाहे तो मुझे बड़ी से बड़ी सजा दिलवा सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त को छोड़ दीजिए, वो बेकसूर है। नहीं नहीं राय बहादुर साहब, ये तो यहाँ आते ही भाग जाना चाहता था, मैंने इसे जबरदस्ती रोक रखा, कसूरवार तो मैं हूँ। हाँ, आप पुलिस को बुलाइए और मुझे जेल भिजवा दीजिए। नहीं नहीं राजा, तू मेरे लिए जेल क्यों जाने लगा? जेल भिजवाने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। नहीं तो क्या घर जवाई बना कर रखोगे? मंगू, फेंक दे इनका सामान बाहर। हाँ, निकाल बाहर करो इन बदमाश। विनोद, तुम बड़े बेअदब होते जा रहे हो। अगर गलती से मेरे मेहमान बनकर आ ही गए तो कौन सा गुनाह किया? घर मेरा है, तुम लोग कौन होते हो बोलने वाले? जब तक जी चाहे ये रहेंगे, जब होगा चले जाएंगे, लेकिन तुम... राय बहादुर, हमें जाने ही दीजिए, हमारा जाना ही अच्छा है। राजू, चल राजू। बचपन से ही पिताजी का साया मेरे सर से उठ गया, लेकिन आपके प्यार ने उनकी याद को ताजा कर दिया। मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। भैया को अब तक आदमी पहचानना नहीं आया, जरा हिम्मत तो देखो छोकरे की, सबको बेवकूफ बनाता रहा। शीला, तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? प्रोफेसर साहब के बिछा बेचारे कब से खड़े हैं। आइए प्रोफेसर साहब। उनका सामान लाया हूं। फेंक दो बस। फेंक दूं? हां फेंक दो। बहुत अच्छा, ठहरो। हैं?
घर से क्या लेगी? इतने भर में ना कोई गाड़ी गई है ना आई। आपको कहाँ जाना है? मंजू देवी लौटाने आई हूँ। लेकिन आपने क्यों तकलीफ की? इसलिए कि फर्ज और इंसानियत तकलीफ से कहीं बड़े हैं। मगर मामूली से ये दो सूटकेस कुछ तो नहीं है इनमें? मुझे मालूम नहीं था, लेकिन आज समझ गई हूँ कि इनमें कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आपकी तरह। माफ कीजिएगा मंजू देवी, पिछले दो दिन की बातों को भूल जाइएगा। भूल जाइएगा? शराफत का जामा पहनकर इंसान इस कदर धोखेबाज और बेईमान भी हो सकता है? ये भूल जाने की चीज है? मंजू देवी, मैं जानता था असलियत का उजाला मेरे कारनामों का पर्दाफाश कर देगा, लेकिन कभी कभी इंसान फरेबे दिल को ही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई समझ बैठता है। झूठ, बनावट, सिर्फ बनावट। वो हंसी, वो बातें, वो गीत सभी झूठे थे आपके। लेकिन क्यों क्यों बहलाया आपने मुझे? आखिर आप चाहते क्या थे? आप मंजू देवी, मंजू देवी सुनिए तो, मंजू देवी। राजू, मुंबई की गाड़ी आने वाली है, चल वहां जाके बैठे। अरे सूटकेस, अरे तू सूटकेस कहां गया? क्या हुआ तेरे? राजू देके रहने की जितनी तरकीबें थी कर लिए। अब क्या, आप पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मगर पैसों का बंदोबस्त होगा कहाँ से? चोरी करेगा क्या? चोरी का मेहनत मजदूरी करेंगे यार, चोरी करेंगे। अच्छा रास्ता दिखा रहा है। क्या देखता भाई राजा, तू मेहनत मजदूरी करेगा? हाँ क्यों नहीं करूंगा, लेकिन राजू यार मुझे नौकरी कौन देगा? मैं दूंगा। अच्छा तू मेरे को नंबर, मगर मैं जो कहूंगा वही करना होगा। हाँ जरूर करूंगा। मेरा हाथ है, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। हाँ अब हाथ ऐसा कर, ऐसे नहीं ऐसे। हाँ झुक झुक झुक, घूम घूम, हाँ उछल, हाँ हाँ ठीक है, शाबाश। ब्रु ब्रु ब्रु, ए मेरा भालू बड़ा होशियार, इसकी कीमत 5000। अरे देखे इसको सब संसार, ये देखो इतना मक्का, इससे डरता थानेदार, समझे सब कुछ मेरा यार, इशारा कर दू जब एक बार, क्षमा क्षम नाचे बीच बदार, नाच नाच रे नाच, कबिटुआ बुम पक पक पक, कबिटुआ बुम पक पक पक, कबिटुआ। दुनिया के बाजार में कैसे खेल तमाशे चालू,
दुनिया के बाजार में कैसे खेल तमाशे चालू, इंसानों ने इंसानों को आज बनाया भालू। देखो जी देखो जी देखो जी आज बनाया भालू। रीत मेरा गरीब है पर जात का नवाब, देखो जात का नवाब, मेरे हर सवाल का ये देता है जवाब, देखो देता है जवाब। बता भगवान किधर है, बता इंसान किधर है, बता ईरान किधर है, बता अफगान किधर है, बता ईमान किधर है, बता हैवान किधर है, मुझको भी हैवान बताए ये शैतान का खालू, मुझको भी हैवान बताए ये शैतान का खालू। इंसानों ने इंसानों को आज बनाया भालू, देखो जी देखो जी देखो जी आज बनाया भालू। हाँ, फिल्म में जाके फूट रहा है हीरो का ये चांस, अरे आपको ये दिखता है रंबा संबा डांस। घोरे घोरे बाबा के घोरे कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी बाबा की घोरे चाहे रोज बुलाया करो, घोरे घोरे बाबा के घोरे कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी बाबा की घोरे चाहे रोज बुलाया करो। अरे बस 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 कर बस कर बस कर। मैं तो मांगू दुआ तुम्हारी, मैं तो मांगू दुआ तुम्हारी, पैसा मांगे कालू, मैं तो मांगू जी देखो जी देखो जी आज बनाया भालू। मंजू का खाना पीना हराम हो गया। किसका बात कहते हो, मुझे समझ में नहीं आता। और किसकी, उसी बदमाश राजेंद्र की। जरा सोचो इस लड़की ने प्रोफेसर राय से बात कर ली, क्या वो उससे शादी करेगी? मुझे तो अपनी उम्मीदों पर पानी फिर से नजर आ रहा है। नहीं जाना भैया, तुम्हारे लाड प्यारी लड़की का दिमाग खराब किया। लाड़ प्यारी तुमने देखा, मेरी मजबूरी तो नहीं देखी। बिन माँ की बच्ची को अपने सीने से लगाकर किस तरह से मैंने पाला है ये तुम नहीं समझ सकती। मैं मंजू का बाप ही नहीं उसकी माँ भी हूँ। कितनी उम्मीद थी मंजू का हाथ प्रोफेसर के हाथ में देकर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, लेकिन न जाने भगवान की क्या मर्जी है। जी हाँ। अरे अभी तक आपने चाय खत्म नहीं की, चलिए चलिए। कहाँ? जान कर क्या कीजिएगा, चलिए जरा बाहर जाएंगे घूमेंगे, तो घर से निकलते ही नहीं। मगर मंजू देवी, डॉक्टर रॉय मेरे साथ जा रहे हैं। जी नहीं, आप बिल्कुल तकलीफ न कीजिए, घर में रहिए। हाँ, मैं क्यों घर में रहूँ? इसलिए तो डॉक्टर रॉय को सैर कराने मैं ले जा रही हूँ। मैं आप तो खाम खा घबरा गए, चलिए ना, चलिए चलिए उठिए चलिए। आप इतने तन्हाई पसंद होंगे ये तो मैं कभी सोच नहीं सकती थी। जरा जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे। देखिए ना पिताजी, ये तो घर से कहीं निकलना ही नहीं चाहते, न जाने इनको घर की चार दीवारी में क्या मजा मिलता है। मैं जबरदस्ती ले जा रही हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, जाओ घुमा फिरा लाओ, तबीयत बहल जाएगी, इसीलिए तो ले जा रही। अरे आप किस सोच में पड़ गए? चलिए ना चलिए। देख लिया गीता? हाँ देख लिया। तुम्हारा कहना, तुम्हारा सोचना, तुम्हारा डर बिल्कुल गलत है। अपनी बेटी मंजू को मैं पहचानता हूँ, सिर्फ मैं। अगर उसे प्रोफेसर पसंद ना होता तो क्या इस तरह हाथ पकड़ कर Thank you.
बताइए तो मेरे हाथ में क्या है? क्या है? बताइए ना। क्या है? एक सवाल। सवाल? एक सवाल जो बेचैनी से अपने जवाब का इंतजार कर रहा है। जी हाँ, जाने से पहले मैं आपके दिल की बात जानना चाहता हूँ। पिताजी ने तो आपको सब कुछ बता ही दिया होगा। उनकी राय तो मैं जानता हूँ, लेकिन आपकी राय? मेरी राय? जी। प्रोफेसर रॉय, अपने साथ इस तरह हंसते खेलते घूमते फिरते हुए देखकर भी आप मेरी राय मालूम करने की जरूरत समझते हैं? फिर भी मैं मुझे ये सब समझने की देखिए ना। प्रोफेसर साहब, आप बिल्कुल वो हैं। क्यों? क्यों क्या? इतना भी नहीं समझते कि मंजू का दिल कहीं और अटका हुआ है? मर्द बड़े ना समझ होते हैं, लेकिन मैं सब कुछ जानती हूँ। क्या मतलब? मतलब यही कि मंजू आज भी दिन रात राजू की याद में रोती है, सोते जागते उठते बैठते उसी की तस्वीर देखती है। आपको मेरी बातों की यकीन नहीं आता ना? अच्छा प्रोफेसर साहब, वो दिन याद कीजिए जिस राजू जाने वाला था और मंजू बेचारी, हाउ शी वाज क्राइंग। इसके बाद हम लोग नीचे हॉल में बैठे थे, मंजू आई चुपचाप अपने कमरे में वापस चली गई। याद है ना आपको, राजू को उसका सूटकेस लौटाने के लिए वो स्टेशन चली गई। प्रोफेसर साहब जी, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा था
आप तो सोचते ही रहेंगे। जी हाँ। प्रोफेसर तुम घूम फिर आए ना, देखिए मैंने आपको तुम कह डाला, कुछ ख्याल न कीजिए। जी नहीं, वैसे भी तो आप मेरे बुजुर्ग हैं। वो तो हूँ ही, तुम मेरे बेटे जैसे हो। आखिर क्या फैसला किया बेटा? यही सोच रहा था कि अभी तक तो ठीक है ठीक है। बात यह है बेटा कि मंजू हमारी इकलौती बेटी है, वो सुखी रहे, उसके हाथ पीले हो जाए तो बस हमारी भी छुट्टी हो जाए। राय बहादुर, मंजू देवी को सुखी देखने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, और कल सुबह ही मैं बम्बई जा रहा हूँ, वहाँ पहुँच कर आपको खबर दूंगा। जी रहो बेटा, तुमने मुझे निश्चिंत कर दिया है। राजेंद्र कुमार की खबर आई है? जी हाँ, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से ये खबर आई। आप मेरे साथ आइए। राजेंद्र कुमार बीए, 71 नंबर वडाला स्ट्रीट, इन्हें अगले बुधवार को इंटरव्यू के लिए बुला लीजिए। बेहतर है। और एक टेलीग्राम लिखिए, राय बहादुर विश्वंभरनाथ, कार्टर रोड, बेंगलोर, प्लीज कम विथ मंजू, अर्जेंट डिस्कशन। ओके ओके सर। हेलो चीफ सेक्रेटरी, प्लीज। ताला, ये भी देखो, ये भी ताला, सुबेरे ताला, शामला ताला, दोपहरला ताला, सांझला ताला। मी इकड़े आठ पैरा देतो, मी देखती तुम्ही कसाला खोली से जातो, कसाला आतो, मला किराया पाई दिया, किराया, मला बुद्धू समझता तुम्ही, आज इकड़े पैरा देती मैं, आज मैं इकड़े पैसे देती, कसाला जाएगा, कसाला आएगा, कसा भेज दिया भाई, बाहर जाने के सब रास्ते बंद। मैडम स्टीम रोलर बाहर पैरा दे रही है तो क्या सारा दिन भूखा मरना पड़ेगा? मालूम तो ऐसे होता है। राजा कोई तरकीब लगा ना, ये पानी पी पी कर कब तक पेट की आग बुझाएंगे? तरकीब भी तो नहीं लड़ती खाली पेट पे। तो तुम्हें कसाला जातो, कसाला आतो, काई माला बुद्धू, काई पानी, कसाला आला इतने पानी, कसाला इतने पानी आला, प्रोफेसर राय ने मुझे नौकरी के लिए क्यों बुलवाया? यार वो बेकारों की मदद करना चाहते हैं। जरूर कोई खास मतलब होगा।
मतलब? अरे तेरे से उसका क्या मतलब निकलेगा? देख भाई, नौकरी मिलती है चिपक जा, प्रोफेसर राय हो या प्रोफेसर पापड़ वाला हो, काम करेगा दाम मिलेगा, खत्म हो गई बात। मगर मुझे शक हो रहा है। क्या? दाल में कुछ काला है। कहाँ है? अरे हाँ यार, तो जी दाल में काला है। कोई बात, खा जाओ खा जाओ। कुछ अजीब सा लग रहा है। बात तो आपको पिताजी से करनी थी और चाय पर आपने मुझे अकेली को बुला लिया। राय बहादुर से मुझे स्कीम डिस्कस करनी है और मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। बस वक्त हो गया, थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, अभी अभी पता लग जाएगा। अच्छा आप जरा बैठिए, मैं अभी आता हूँ और सरप्राइज मैं आपको आकर ही दूंगा। कहाँ है वो? जी यही मिस्टर राजेंद्र कुमार आए। सत श्री अकाल जी। आप राजेंद्र कुमार? हाँ जी। आप? आहो जी। लेकिन मैं तो अच्छा अंदर जाकर बैठिए, मैं अभी आता हूँ। अच्छा जी। मैंने इसे कब बुलाया था? जी आपने इन्हीं को तो बुलाया था। लेकिन मैं जिसे चाहता हूँ ये वो आदमी नहीं है, पता तो आपने ठीक लिखा था ना? जी हाँ। तो फिर कैसे गड़बड़ हो गई? तुम यहाँ क्या करने आए हो? जी आपने तो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। हाँ ये रही चिट्ठी। तो तुम ही हो राजेंद्र कुमार? जी पहले मेरा नाम राजेंद्र कुमार सिंह था, लेकिन मैंने उसे छोटा करके राज सिंह कर लिया है जी। राज सिंह? हाँ जी। अच्छा तो राज सिंह, तुम क्या क्या काम जानते हो? जी काम तो सारे जानता हूँ और ऊपर से नाचना गाना ये भी आता है। अच्छा? कहिए तो गाना सुनाऊं। तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? जी कौन सी गाड़ी? छकड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी, टांगा गाड़ी? नहीं नहीं मोटर गाड़ी। मोटर गाड़ी? हाँ जी मोटर गाड़ी। क्या मैं तो ट्रैक्टर चला सकता हूँ, ट्रैक्टर। अच्छा हाँ जी। तो देखो मुझे एक ड्राइवर की जरूरत है। ड्राइवर की जरूरत है? तुम रहोगे? रह जाऊंगा जी, रह जाऊंगा। तनख्वाह कितने लोगे? तनख्वाह? तनख्वाह 100 रुपए? 150? अच्छा तो 200? अरे तू तो ग्रेट है सोनियो, भला 200 रुपए को ड्राइवर को देता है जी? मैं तुम्हें दूंगा। हाँ जी। लेकिन एक शर्त पर। सुनाओ जी। जब तक मैं तुम्हें नौकरी से निकालूं, हाँ जी, तुम नौकरी छोड़कर कहीं नहीं जा सकोगे। अजी लगी हुई नौकरी भला कौन गधा छोड़ता है जी, मुझे मंजूर है। अच्छा 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 राज सिंह जाओ गाड़ी निकालो। सलाम साहब। राज सिंह मैं इंतजार कर रही हूँ प्रोफेसर रॉय। ओ सरप्राइज के लिए? माफ कीजिए मंजू देवी, सरप्राइज मैं आपको क्या लूँ, सरप्राइज तो मैं खुद ही हो गया। अच्छा तो मुझे चलिए मैं आपको छोड़कर आऊँ। घर छोड़कर ज्यादा दिन बाहर रहने की आदत नहीं है, इसीलिए कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम्हारा काम निपट जाए तो मुझे भी छुट्टी मिल जाए। इतनी जल्दी से क्या है, कुछ दिन और रहिए। क्या कुछ और सरप्राइज देने का ख्याल है? मंजू देवी मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन उम्मीद मैंने अभी तक नहीं छोड़ी है, सिर्फ मौके की तलाश में हूँ। मंगू जी मेरे ड्राइवर से कहो मेरा बैग लेता है। जी अच्छा। हेबर सब बैग मांगता। कि मैं आपके साथ एक स्कीम डिस्कस करना चाहूँ। स्कीम? जी हाँ, आपके इलाके में गन्ने की पैदावार काफी होती है लेकिन शुगर मिल एक भी नहीं है, तभी तो मैंने सोचा है अगर एक मिल स्टार्ट किया जाए तो। ये तो बड़ी अच्छी स्कीम है पिताजी। मैंने इसका पूरा प्लान भी बनाया है। राज सिंह बैग लाओ। खर्च काफी आएगा लेकिन आमदनी भी कम नहीं होगी। राज सिंह तुम ठहरो, मिल वैसे तो मंजू देवी के नाम पर ही रहेगा लेकिन इसको संभालने वाला जिम्मेदार आदमी मैं आपको दूंगा। तुम पर मुझे पूरा भरोसा है बेटा, मैं कागजात देख लेता हूँ, तुम लोग बैठो बातचीत करो। मंजू देवी आपके साथ माफ कीजिएगा, आपके साथ सचमुच बड़ी ज्यादती कर रहा हूँ। चलिए ना कुछ दिनों तक मेरी छुट्टी है, कहीं घूम फिर आए। जी हाँ चलिए। मंजू देवी यू आर वंडरफुल।
मेरी जिंदगी के सुनेपन को आप इस तरह रंगीन बना देंगी, इसकी मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। मंजू देवी, आपको देखकर सचमुच एक्सीडेंट कर लो क्या? जरा होशियारी से चलाओ। हाँ जी, मैं काफी होशियारी से चला रहा हूँ। तुम क्या हमारी बातें सुन रहे थे? अजी नहीं तो, बस एक आध बात इस कान में उड़कर आ जाती है तो दूसरे कान से निकाल देता हूँ। चलिए अब घर चलिए। इतने जल्दी क्या है? पता नहीं क्यों मेरे सर में कुछ दर्द हो रहा है। मौसम भी कुछ खराब है, गाड़ी लौटा लूं। जरा ठहरो मंजू देवी, बुरा ना मानिएगा, मुझे जरा यह काम है। राज सिंह आपको घर पहुंचाएगा। राज सिंह जी, आगे गाड़ी रोको। मंजू देवी, आप रो रही हैं? कौन कहता है? मुझे ऐसा लग गया कि आप रो रही हैं। शीशे में दिखाई देता है ना? मोटर चलाते हुए या शीशा देखते हैं? मैं क्या करूं, नजर पड़ जाती है जी। बदतमीज। आओ जी, सामने देख के गाड़ी चलाओ। हाँ जी। बस अब और नहीं, आज से मेरी छुट्टी। मतलब कल से मैं काम पर नहीं जाऊंगा। फिर क्या, आराम से चादर तान कर सोऊंगा और नाचूंगा गाऊंगा और क्या। वेरी गुड वेरी गुड। अपना कैसे चलेगा जैसे दुनिया चलती है? राजू, तू समझता क्यों नहीं है? घर आई हुई लक्ष्मी को हाथ से नहीं छोड़ते। राजा, मैं तुझे कैसे समझाऊं? अरे पर तू समझाएगा तो मैं समझू ना। तो सुन, वो जो प्रोफेसर आया है ना, वो मेरे सामने उसके साथ ये काम मुझसे नहीं होगा। राजू राजू राजू, अरे दुनिया बदल गई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तू समझता क्यों नहीं? तू तो कहता था कि मेरी मोहब्बत कितनी सच्ची है। अरे यही वक्त है इम्तिहान का, यही वक्त है इम्तिहान का। देख, जो आदमी मैदान से भाग जाता है ना, वो बुजदिल कहलाता है। बुजदिल वो दुनिया में कभी कामयाब नहीं होता। जरा सोच ले, शुगर मिल की सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी होगी। मैं तो सिर्फ रुपया दे की छुट्टी पाऊंगा। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे खुशी सिर्फ इस बात की है कि आपकी स्कीम के जरिए लाखों बेकारों को काम मिलेगा, रोजगार धन देगा। तुमने ठीक कहा है बेटा। एक बात याद आई, अगर तुम उसे तलाश कर सको तो, न जाने क्यों उसे ठग या धोखेबाज मैं सोच भी नहीं सकता। अजीब सी एक ममता मेरे दिल में वो जगा गया है। आप किसका जिक्र कर रहे हैं? राजेंद्र का। अगर वो मिल जाए तो हमारे मिल में एक अच्छी सी नौकरी। कोई काम नहीं, वो जैसे झूठे मक्कार दगाबाज करे भी। तुम आदमी पहचानने में गलती कर रही हो। लेकिन उसे पहचान चुकी हूँ। आप गलत आदमी को बढ़ावा देने की कोशिश न करें पिताजी। मैंने भी राजेंद्र की नौकरी के बारे में काफी कोशिश की, यहाँ तक के उसके 71 नंबर वाडाला स्ट्रीट के मकान पर कई बार गया, लेकिन वो कभी मिलता ही नहीं। अब मेरी राय यह है, जब मंजू देवी को इतराज है तो। यह मुझे इतराज है। जैसी तुम लोगों की मर्जी। अच्छा बेटा, तुम बैठो, मैं अभी आया। प्रोफेसर रॉय जी, मैं आपकी कार लेकर जरा बाहर जा सकती हूँ? बेशक बेशक, ये भी कोई पूछने की बात है। राशि हुजूर, मैं सर को ले जाओ। हाँ जी। किधर ले चलूं मैं साहब? 71 नंबर वडाला स्ट्रीट। 71 नंबर वडाला स्ट्रीट? अजी वहाँ क्यों जा रही हो, तो बड़ी गंदी जगह है। सुनिए दो, तुम चलो। आओ जी। एक बात पूछूं मैम साहब? क्या बात? वो मैंने सुना है कि आप प्रोफेसर राय से शादी कर रही हैं। तुम्हें इससे क्या मतलब? जी मुझे तो कुछ नहीं, बस आपसे हमदर्दी है, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि आप उनको पसंद करती हैं या। तुम जैसा अहमक ड्राइवर मैंने कभी नहीं। आओ जी।
और यहाँ? जी, आप यहाँ रहते हैं? जी, यहीं रहते हैं। आपके दोस्त कहाँ हैं? आपका मतलब राजू से है? जी जी, वो तो क्या हुआ? आपको पता नहीं? जी नहीं। कुछ पता नहीं आपको? अरे तब तो बता देना होगा। देखिए, जब से वो आपके घर से लौटा है ना, वो इस घर में अभी तक नहीं आया। नहीं आया? जी तो कहाँ गया? बिल्कुल लापता है। लापता है? जी हाँ, मैं तो खोजते खोजते परेशान हो गया हूँ। न जाने क्या हो गया उसे, मेरे तो कुछ समझ में आता ही नहीं। आखिर वो गया कहाँ? क्या बताऊँ, मैं भी परेशान हूँ। न जाने उसका क्या हुआ होगा, कहाँ खा। अरे आ गया, आ गया। अरे घबराते क्यों हो आप? अरे मत घबराइए, ये तो पालतू है। पालतू इंसानों की तरह बात मानता है, खेलता है, बहुत कमाल करता है। बाबा भलू 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 मिला। देख, ये अपने राजू के दोस्त है। राजू के दोस्त? हाँ 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 हाँ। बैठ 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 बैठ, शाबाश शाबाश, आराम से बैठ, आराम से बैठ। कितना अच्छा है, देखिए आराम से बैठ गया। आपने तो ये बताया नहीं कि आप यहाँ किस लिए आई हैं। जी देखिए, आप किसी तरह भी अपने दोस्त की तलाश कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए ना, ये कमाल हो गया कि जो कोई आता है तो उसी की तलाश में यहाँ आता है। आपको कोई खास जरूरी काम? जी हाँ, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, किसी तरह उनको ले आइए। देखिए ना, मैं इस घर से बाहर तो जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि तलाश के लिए आपको पैसों की जरूरत होगी। शुक्रिया शुक्रिया। अरे ये तो 100 रुपए की नोट दी है आपने मुझे, ये सब। अरे अरे, क्या है क्या है? ओहो ठहर भी, क्या है बोल। ओहो, ये कहता है कि आपसे रुपए नहीं लेना चाहिए। नहीं रख लीजिए। ये कहते हैं रख लीजिए। अच्छा, भाई नहीं लेता है, नहीं लेता है, रख लीजिए आप। चल, तेरे को भूख लगी है मुझे पता है, जरा दूध पिला के आऊँ। चल बेटा। कहाँ गए थे? जी अपने एक दोस्त के पास गया था। चलो चलिए। शीला, तो तुम चलो, मैं अभी आया। हाँ क्या हो? एक जरूरी काम भूल गया हूँ मैं। अभी आया। राजू तू यहाँ कैसे? अरे तू यहाँ कैसे? अरे यार, ये लड़की जबरदस्ती घर से पकड़ ली। ओह डार्लिंग, हाँ मैं आता हूँ डार्लिंग, मैं आता हूँ। ख्याल रखना जैसे तू मुझे पहचानता नहीं, वरना मैं पकड़ा जाऊंगा। अरे तू बेफिक्र रे, मैंने तुझे कभी देखा ही नहीं। राजा डार्लिंग, अभी कभी है। तुम आराम से अच्छी तरह काम करो, तुम खराब काम करेगा तुमको निकाल देगा। आओ जी, बुलाया मेरे को? ना जी। जो यारों मैं जानता, प्रीत किए दुख होए, अरे नगर ढिंढोरा पीटता, प्रीत न करियो कोय। मोहब्बत करना है आसान, किसी पर मरना है आसान, निभाना मुश्किल है। मोहब्बत के शोलों से भाग, कभी जो लग जाए ये आग, बुझाना मुश्किल है। मेरे सपनों में आए एक थोड़ी जादूगरनी, मेरे सपनों में आए एक थोड़ी जादूगरनी, दिल के जंगल में वो घूमे बनके सुंदर हरनी, होए होए बनके सुंदर हरनी। मगर ऐसी है ये तकदीर कि उस हरनी पर कोई तीर, चलाना मुश्किल है। मोहब्बत करना है आसान, किसी पर मरना है आसान, निभाना मुश्किल है। एक जालिम ने मेरे अरमानों का खून किया है,
अरे खून किया है, फिर भी मैंने अक्सर उसको टेलीफोन किया है, 20 पैसे डाल के टेलीफोन किया है। और क्या 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 किया रे भाई, न जाने कितने टेलीग्राम उसे भेजे हैं सुबह शाम, बताना मुश्किल है, बताना मुश्किल है। मोहब्बत करना है आसान, किसी पर मरना है आसान, निभाना मुश्किल है, निभाना मुश्किल है। जालिम झगड़े मेरे साथ, अगर मैं जाऊँ छुड़ा कर हाथ, तो जाना मुश्किल है, तो जाना मुश्किल है। मोहब्बत करना है आसान, किसी पर मरना है आसान, निभाना मुश्किल है, निभाना मुश्किल है। इश्क ने साडे खाई ऐसी ठोकर, ओ ओ प्रेम सड़क ते इश्क ने साडे खाई ऐसी ठोकर, अरे दिलदारां दी प्रेम गली विच रहने बन के नौकर। ओ अजी ऐसी है मेरी हीर कि उसको वारिस शादी हीर, बनाना मुश्किल है, बनाना मुश्किल है। मोहब्बत करना है आसान, किसी पर मरना है आसान, निभाना मुश्किल है, निभाना मुश्किल है। आपसे कुछ बातें करनी है, चलिए ना वहां बैठे आइए। मंजू देवी, आपको देखकर महसूस होता है आज का दिन आप बिल्कुल एंजॉय नहीं करते। आपको वहम हुआ है, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। आप कुछ कहना चाहते थे ना? हाँ, मैं तो भूल ही गया था, आपसे एक बात पूछूं। मंजू देवी, अभी कुछ दिन पहले आपकी जिंदगी में कोई आया था ना? मुझे सब मालूम है, लेकिन मंजू देवी, आपसे मिलने से पहले मेरा ख्याल था ये प्यार मोहब्बत प्रेम जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखते, लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला। मंजू देवी, आपके साथ रहते रहते मुझे ऐसा महसूस होने लगा है मैं आपके बगैर मुझसे जिया नहीं जाएगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आप उस बदमाश लुच्चे लफंगे को कैसे दिल दे बैठी। ठहरिए मंजू देवी, आज हम दोनों को किसी नतीजे पर पहुंचना ही होगा। मेरे दिल में जो अरमान जो तमन्नाएं हैं आज उन्हें पूरा करना ही होगा। तो पिताजी से कहिए शादी का दिन तय करते। मैं पिताजी की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपकी बात, आपके दिल की बात, जहाँ वो बदमाश राजिंदर आज भी बसा हुआ है। मैं ठीक ही कह रहा हूँ कि आप इनकार कर सकती हैं? आप मुझसे ही पता लेकर उसकी तलाश में वाडला स्ट्रीट नहीं गई थी? अगर आप उससे इतना ही चाहती हैं, उसे अपनाने की हिम्मत क्यों नहीं करती? क्योंकि ये मुमकिन नहीं। और ये मुमकिन है आप उससे मोहब्बत का खेल खेले, मेरी जिंदगी बर्बाद करें। ये मोहब्बत का सवाल नहीं है डॉक्टर रॉय, शादी का सवाल है। शादी? आप जैसी लड़की से शादी करके मुझे क्या मिलेगा? जिंदा लाश जिसके दिल में आज भी राजिंदर की मोहब्बत, राजिंदर का प्यार और उसकी चाहत बसी हुई है। भगवान के लिए चुप रहिए। चुप हो जाओ, मेरे दिल में आग लगा कर आप कहती है मैं चुप हो जाऊं, आप तो मैं खत्म ही कर दूंगा, आपको मैं खत्म ही कर दूंगा। देखता हूं राजू सर खैर कमीने, आप भी हट जाओ और अब पर जुल्म करते हुए समझ गए? कहता हूं हट जाओ। अरे ये क्या कर रहे हो?
आइए मेरे साथ। मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं राजी? मुझे बचाने में तुम्हारी आधी दाढ़ी भी चली गई। कोई बात नहीं। तुम? नहीं नहीं। भगवान के लिए बहुत गहरा है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तुम्हें जीना है, तुम्हें मेरे लिए जीना है। दूर से तुम्हें मेरे लिए जीना है। हटके हटके राजू, मैं अपनी भूल समझ गई हूँ। राजू राजू, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मंजू प्लीज, मंजू प्लीज, मंजू राजू, हाँ राजू, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। हाँ मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। एक बार फिर से बोलो। हाँ राजू, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तुम मुझे प्यार करती हो? सच सच मंजू? सच राजू। मंजू मंजू मंजू, उसको तैरना नहीं आता है मेरे राजू को। अरे तुम जाओ ना। अरे तुम बचाइए ना। अरे अरे बच्चा, राजू प्रोफेसर साहब जाइए ना। पालो पालो। अरे मैं डूब रहा हूँ। अरे भगवान, जिसे पाकर वो खुश हो, उसी राजू को मैंने
आज आपके सामने पेश कर रहा हूं। भारत भारत भारत।